सूर्य गोचर प्रभाव, चलिए जानते हैं किन राशियों की खुलेगी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों आज बात करेंगे सूर्य देव के गोचर की। ग्रहों के देवता सूर्य देव जल्द ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन 16 जुलाई 2024 मंगलवार को कर्क राशि में होगा। इस समय सूर्य देव मिथुन राशि में विराजमान है। 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में सुबह 11:29 पर प्रवेश करेंगे और इस राशि में 16 अगस्त तक रहेंगे। इस दौरान इन राशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है। चलिए जानते हैं कौन सी हमें भाग्यशाली राशियां जिन पर सूर्य देव जो है अपनी कृपा बरसाएंगे। तो पहले भाग्यशाली राशि है मेष राशि। सूर्य देव आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में चौथा स्थान जो होता है जीवन में माता भूमि भवन और वाहन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको 16 अगस्त तक अपनी मेहनत के बल पर भूमि भवन और वाहन का लाभ होगा। तो इन सब चीज़ों का उचित लाभ उठाने के लिए आपको अगले 30 दिनों तक किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। यह उपाय आपके लिए सही होगा। अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। सूर्य देव आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में तीसरा स्थान भाई बहन और अभिव्यक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों का साथ मिलेगा और आप खुलकर दूसरों के आगे अपनी बात रख पाएंगे। तो भाई बहन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कायम रखने के लिए अगले 30 दिनों तक आप धार्मिक कार्यों में सहयोग दें। अगली राशि है मिथुन राशि। सूर्य देव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में दूसरा स्थान धन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको मेहनत का उचित फल मिलेगा। सूर्य ही साथ ही आपको धन प्राप्ति के अच्छे मौके भी प्राप्त होंगे। तो अपने पास धन की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए या धन के आसार बढ़ाने के लिए आपको किसी धर्मस्थल या मंदिर में नारियल का दान करना चाहिए। अगली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। सूर्य देव आपके पहले यानी लगन स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में पहला स्थान लगन होता है यानी आपका खुद का स्थान, लिहाजा इस स्थान पर सूर्य देव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। अपनी मेहनत के बल पर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके यश सम्मान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी संतान को कहीं से लाभ मिलने के संकेत हैं, लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान अशुभ फलों से बचने के लिए शुभ फलों की सुनिश्चित करने के लिए रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और नमस्कार करें। और अगली राशि है सिंह राशि। सूर्य देव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध सैया सुख से है, परंतु इस स्थान का संबंध व्यय से भी है। सूर्य के इस गोचर से आपको सैया सुख पाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, साथ ही आपके खर्चे भी कुछ हद से ज़्यादा ही होंगे। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखें ताकि आपके घर के अंदर सूर्य की उचित रोशनी आ सके। इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए। रविवार को नमक का त्याग करिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।